दोस्तों इस पर हम बात करेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, और साथ ही साथ जब बन जाता है तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कितने दिन के अंदर बनता है सारी प्रक्रिया बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ये जो है बिहार सरकार का RTPS का वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। ये मैं स्पेशली जो है बिहार वासियों के लिए बता रहा हूं, अगर बिहार से है तो आप इस तरह से जो है जाति निवास आय बना सकते हैं। मैंने आय और जाति के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। फिलहाल जानते हैं इसमें आवासीय कैसे बनाएंगे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ साइड में आपको देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो आप आवासीय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक अंचल स्तरीय, एक अनुमंडल स्तरीय और एक जिला स्तर पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंचल स्तर पे आवेदन करेंगे। अगर कोई अनुमंडल स्तर पर बनवाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उनको अंचल स्तर पर बनाना पड़ता है, उसके बाद जो अनुमंडल स्तर पर बनता है। अगर कोई जिला स्तर पर बनाना चाहता है तो उनको ये दोनों स्तर पर बनवा के तब जाके जिला स्तर पे आवेदन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अंचल स्तर पे आवेदन करके आपको बताते हैं, हमने इस पे क्लिक कर दिया है। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है आवेदन फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है कि पुरुष है कि स्त्री है कि थर्ड जेंडर है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस करेंगे। यहाँ पे कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं तो स्त्री का ऑप्शन है या कोई अभिवादन नहीं, ये भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दीपक लिख के स्पेस देंगे तो यहाँ पे हिंदी में लिख देगा। यहाँ देखिए बगल में देख रहे ना, इस तरह से आपको जो है लिखना है, स्पेस देना है, ऑटोमेटिक वो जो है आपका हिंदी में हो जाएगा। फिर आप फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ हिंदी में हो जाएगा। अगर आपका हिंदी सही नहीं होता है तो आप गूगल इनपुट टूल का यूज करेंगे और वहाँ हिंदी में लिख के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से मदर्स नेम, इसकी वजह से कोई लेडीज है मैरिड है तो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी वजह से आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, बिहार ही आएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको चुनाव करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद से अनुमंडल आपको आएगा, अनुमंडल चुनाव करेंगे। इसके बाद से ब्लॉक आएगा, ब्लॉक का आप चुनाव करेंगे। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे नगर पंचायत चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन। अगर नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो नगर निगम, ग्राम पंचायत से है, ग्रामीण इलाके से ग्राम पंचायत होता है तो आप विलेज पंचायत चूज करेंगे। नगर परिषद को यह है म्यूनिसिपैलिटी तो आप म्यूनिसिपैलिटी चूज करेंगे। तो आप देख लेंगे कि आप किस एरिया से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ च्वाइस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आएगा ऑप्शन। यहाँ वार्ड संख्या लिखना आपको, मैंडेटरी वार्ड संख्या लिखना, तो पता कर लेंगे आपका जो गांव है वो किस वार्ड संख्या में आता है। अगर आप नगर निगम आएगा तो नगर निगम का चुनाव करेंगे तो उसके बाद नगर निगम का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा। नगर पंचायत है तो नगर पंचायत के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, देख रहे ना। नगर परिषद है तो नगर परिषद। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चुनाव करना है और वार्ड संख्या यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे जो है गांव का नाम आ जाएगा, उस मतलब ग्राम पंचायत का नाम आएगा। तो पहले पंचायत का आप नाम चूज करेंगे, पंचायत का नाम चूज करने के बाद से अपना गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। आपको गांव का नाम मान लीजिए लिखना है रामपुर, तो सपोज रामपुर लिख के स्पेस दबाएंगे ना तो हिंदी में हो जाएगा। अगर आपका जो है हिंदी ट्रांसलेट सही से नहीं हो पा रहा यहाँ पे तो गूगल इनपुट टूल का यूज करेंगे, वहां से आप अपना गांव का नाम अच्छे से लिख लेंगे हिंदी में और उसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर देंगे। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, यहाँ पे थाना चुनाव करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, अपना एक जो है हाफ फोटोग्राफ यहाँ पे जो है अटैच करना है, सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट यहाँ बोल रहा है। अपना जो है यहाँ पे मतलब नॉर्मल जो फोटो होता है हाफ एक सिंगल बैकग्राउंड वाला सादा, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। कलर ही होना चाहिए बट बैकग्राउंड जो है सफेद कोई होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, ऐसा वाला फोटोग्राफ अपलोड करनी है। ये नहीं कि सेल्फी वाला फोटो लिए और अपलोड कर दे, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे चीज आप चूज कर लेंगे। यहाँ आधार संख्या बोल रहा है, तो आधार संख्या अगर आप दीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन कराए जाएंगे। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, तो आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक होता है ना उस पे OTP जाता है। तो अगर आप देख लेंगे कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार संख्या दीजिएगा, और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इसे मत दीजिएगा क्योंकि OTP जाएगा तो फिर आपका शुरू से आवेदन करना पड़ सकता है। OTP जाएगा जब आधार से मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं तो फिर देने से कोई फायदा होगा ही नहीं। तो आप देख लेंगे, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी आगे चल के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है निवास का प्रकार, किस प्रकार का प्रेसिडेंसी है, स्थायी है या अस्थायी है। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, मतलब क्यों आप बनवा रहे हैं निवास प्रमाण पत्र। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखिए,
वरना ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और यहाँ आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होता है कि आपने क्या क्या जानकारी भरा हुआ है। एक बार जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट का बटन एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो दस्तावेज एक अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो यहाँ पे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, मतदाता पहचान पत्र है, तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन है उसे आप चुनाव करेंगे और उसकी जो है फोटो कॉपी यहाँ पे आपको जो अटैच करना है। ध्यान रहे, अगर कोई फीमेल है, मैरिड है, तो वो जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है आधार कार्ड को एक पेज पे बना के अपलोड करेंगे तो वो बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्ट भी होता है, तो रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि आप लोग मैरिड कैंडिडेट्स में जो है उनका आधार कार्ड पे दूसरे जगह का एड्रेस होता है, शादी हो रहा था दूसरे जगह, तो यहाँ पे इस तरह से जो है आधार कार्ड का बदलवाते नहीं है और उसी तरह से अपलोड कर देते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो उनके साथ रिलेशन दिखा के अपलोड करेगा तो बन जाता है। तो चलिए आधार कार्ड को चूज करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे जो है सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से आपकी जानकारी शो होती है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो एक सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एग्री भी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट करना है। यहाँ पे सर्वर एरर की वजह से इस तरह से जो है सारी जानकारी जो है खुल के आया हुआ है, वरना अच्छे से आता। चलिए करते हैं सबमिट। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको जो है प्रिंट आउट निकलेगा और इसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना। यहाँ पे लिखा कि सेवा प्रदान करने की समय अवधि, कब आपको जो है इसे बनाकर डिलीवर कर दिया जाएगा, 10 कार्य दिवस यहाँ पे दिखा रहा है। तो 10 दिन के बाद आप जो है खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दिया होगा तो ईमेल पे इनके द्वारा जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही बनेगा तुरंत आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाता है, मतलब मेल पे भेज दिया जाता है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे यहाँ एक्सपोर्ट पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आप इसे एक्सपोर्ट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब कैसे डाउनलोड करना है ये समझिए। देखिए, खुद से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं 10 दिन बाद, तो उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आरटीपीएस रहेगा, आवेदन संख्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। अगर बना रहेगा तभी डाउनलोड होगा। अब चेक करना है कि आपका आवेदन की स्थिति क्या है, तो उस केस में यहाँ देखिए आवेदन की स्थिति देखने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है एक अलग से इस तरह से आएगा विंडो और यहाँ पे आप अपना जो है रेफरेंस नंबर चूज करेंगे और यहाँ पे आवेदन संख्या लिखेंगे और एप्लीकेशन डेट या डिलीवरी डेट, तो यहाँ पे सबमिशन डेट चूज करेगा, कब आपने फॉर्म सबमिट किया था। इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन की स्थिति दिखा देगा कि आपका आवेदन जो है अप्रूव्ड हो चुका है या पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है, जो भी है बता देगा। अगर अप्रूव्ड हो चुका होगा तो यहीं पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को और जहां यूज करना है वहां आप यूज कर सकते हैं। अब काफी लोग बोलेंगे कि ये 10 दिन प्रोसेस लग रहा है, हमें और जल्दी बनवानी है, तो उस केस में क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, उस केस में क्या करना होगा, अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप जो है जो आपको ये प्रिंट आउट जो निकला उसे प्रिंट करेंगे, आधार का फोटोकॉपी अटैच करेंगे और तुरंत जो है आरटीपीएस काउंटर पे जाके जो है रिक्वेस्ट करेंगे, तो लोग जल्दी बना देते हैं, 2 से 3 दिन में बना देते हैं अगर आपको अर्जेंट है तो। वरना एक तत्काल सर्विस आता है, तत्काल सर्विस के माध्यम से आप जो है अपने ब्लॉक ऑफिस जाके आरटीपीएस के माध्यम से बनवा सकते हैं। तो तत्काल में जल्दीबाजी के लिए आपको ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ेगा, जो भी आपका अंचल अधिकारी कार्यालय वहां जाके जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या तत्काल वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है जल्दी में बनता है। बाकी आपको 10 दिन में ही ऑनलाइन सर्विस में बनता है। अगर आपका 10 दिन के अंदर भी नहीं बना, उस केस में क्या कर सकते हैं, तो उस केस में आपको जो है जो प्रिंट आउट निकला है उसको और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर अंचल कार्यालय में जाके जो है आपको क्लेम करना होगा कि मेरा 10 दिन से ज्यादा हो चुका, अभी तक मेरा जो है ये जाति निवास आय जो भी है हमारा नहीं बना है, तो हम क्या करें। वो लोग आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से करना होता है। तो आप लोग खुद से बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना कुछ किए डायरेक्टली यहां से जो है आप जाति निवास आय बना सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि अंचल स्तर पे तो हमने बता दिया, अनुमंडल स्तर पे कैसे बनाते हैं, जिला स्तर पे कैसे बनाते, ये अलग से हम वीडियो जो है लेकर आएंगे। इसके बाद हम जो है नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ईडब्ल्यूएस का प्रोसेस है वो कैसे हम करते हैं, इसका भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।